दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा का आया भयंकर तूफान, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। वहीं विराट कोहली ने भी मैदान पर शतक ठोककर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का भयंकर तूफान आया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आज ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दोस्तों आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से ये खिलाड़ी चौके और छक्कों की स्टार्टिंग में ही बौछार कर रहे हैं। वहीं तीसरी गेंद पर एक रन लिया। चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए, जीरो ने एक रन लिया। वहीं पांचवीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा आए, जीरो ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने सीधा विकेट कीपर के ऊपर की तरफ से 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। कप्तान रोहित शर्मा की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज सलाम किया। जिस तरीके से भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज टेस्ट मुकाबला नहीं बल्कि T20 मुकाबला है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया स्टार्टिंग में ही। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट हो गए दूसरे, और दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल आए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल आए। KL राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि ठोस बल्लेबाजी करते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में KL राहुल ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की थी कि 77 रनों की शानदार पारी उनकी दोस्तों मैदान पर तवाही मचा गई और एक अहम भूमिका KL राहुल ने निभाई। आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी दोस्तों पहले दिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का उन्होंने जमकर साथ निभाया और KL राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाती रही। दूसरे ओवर की पांचवीं और छठी गेंद पर दो कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं तीसरे ओवर में KL राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर भाग कर दो रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए KL राहुल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और KL राहुल के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की आज एक नहीं चली। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। यशस्वी जायसवाल ने छठे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। वहीं सातवें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोंका। आठवें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। नवे ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। वहीं दसवें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ा। ग्यारहवें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए KL राहुल, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों तीसरी गेंद पर KL राहुल ने भाग कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक पर दोस्तों आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे, उधर KL राहुल भी 50 ठोक चुके थे। दोस्तों वहीं 13वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 15वें ओवर में KL राहुल ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोंक दिया था। 17वें ओवर में उन्होंने शतक ठोंक कर इतिहास रचा। आज T20 के मुकाबले से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने कर दी। जी हां, आप सभी को बता दें कि 21वें ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर यशस्वी
जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए 111 रन बनाकर। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद दोस्तों मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले विराट कोहली। एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। विराट कोहली ने मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की। उनका साथ निभा रहे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए थे। केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाता रहा। केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी की और दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद विराट कोहली ने केएल राहुल का बखूबी साथ निभाया। केएल राहुल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी भी आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद दोस्तों मैदान पर केएल राहुल ने कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जमकर बल्लेबाजी की और दोस्तों उसके बाद जब विराट कोहली मैदान पर आए तो उनके साथ टिक कर बल्लेबाजी करते हुए एक अहम भूमिका निभाई और देखते देखते केएल राहुल ने भी शतक ठोक दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। वहीं दोस्तों आपसे बता दें कि 26वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भाग कर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल आए जिन्होंने एक रन लिया। चौथी गेंद पर विराट कोहली आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। पांचवीं गेंद पर भाग कर दो रन लिए। छठी गेंद पर दोस्तों उन्होंने सीधा 6 रनों के लिए विकेट कीपर के ऊपर की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सारी जिंदगी याद रखेंगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली ने देखते देखते अपना शतक ठोंक दिया। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। विराट कोहली ने 35वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भाग कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला लेकिन पांचवीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने शतक ठोंक कर अपनी एक अहम भूमिका निभाई और भारतीय टीम को जीत दिलाने में उन्होंने दोस्तों अपनी शतकीय पारी ठोंक दी। उसके बाद भी दोस्तों भारतीय टीम ने जो है 295 रनों से जीत दर्ज की। उसके बाद दोस्तों आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली ने अपना शतक ठोंक कर इतिहास रचा। पहले टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की शानदार पारी खेली थी और केएल राहुल ने भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 77 रनों की पारी खेली थी दूसरी इनिंग में। और दोस्तों भारतीय टीम को जीत दिलाने में विराट कोहली ने भी एक अहम भूमिका निभाई। आज दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर गरजा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर केएल राहुल आउट हो गए तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। जी हां, शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और देखते देखते शुभमन गिल ने चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। 42वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों उन्होंने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भाग कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने फिर से 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और दोस्तों कैच आउट होते होते बच गए। दोस्तों शुभमन गिल मैदान पर टिक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक चांस ऑस्ट्रेलिया को मिला था शुभमन गिल को आउट करने के लिए लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों मिचेल स्टार्क के हाथों से कैच आउट छूट गया और वो दोस्तों कैच आउट होते होते बाल बाल बच गए और दोस्तों शुभमन गिल ने फिर मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। पूरी टीम आई शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार आज इनके बल्ले में कोई साधु तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। दोनों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल दोस्तों अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आज एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच रहे थे। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में शुभमन गिल की बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। शुभमन गिल ने देखते ही महज दोस्तों 54 गेंदों पर अपना शतक ठोक दिया और उसका बल्ला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक देते हैं। आज ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों IPL 2025 के लिए ऑक्शन में दोस्तों सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जो कि दोस्तों एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो कि दोस्तों उन्होंने आज लखनऊ के लिए 27 करोड़ रुपए लिए, जिसमें दोस्तों लखनऊ ने उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां देखकर ही इनको 27 करोड़ रुपए दिए, जो कि दोस्तों टेस्ट मुकाबले में उन्होंने आज साबित कर दिखाया। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर भरवाने लगी। चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम ने पहली इनिंग में अभ्यास मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 689 रन ठोके और 690 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया।